एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत का फैसला सोमवार को आएगा। सरकार ने अपना पक्ष रखा है। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा है कि हफ्ते भर में प्रदूषण का स्तर कम नहीं किया जा सकता। सरकार ने कहा कि ऑड इवन का दिल्ली में सकारात्मक असर हुआ है, इसे बढ़ाने की जरूरत है। कोर्ट के आगे कुछ ऐसे फिगर्स भी दिए गए ये शो करने के लिए कि जो गवर्नमेंट की फिगर्स हैं वो सब्सटेंशियल जस्टिस नहीं दे पा रही हैं, क्योंकि डिफरेंट फिगर जो एयर पोल्यूशन बोर्ड कंट्रोल कमेटी की तरफ से हैं, वहाँ ये शो होता है कि पोल्यूशन का लेवल उतना नीचे नहीं आया जितना कि ये ऑड इवन फार्मूले से कहा जा रहा है। इसीलिए अब कोर्ट ने क्या किया है कि कोर्ट ने दोनों की जो फिगर्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं और जो हमारी तरफ से दी गई हैं वो फिगर्स अपने रिकॉर्ड में ले ली हैं और हमारे आर्ग्यूमेंट्स को लिख लिया है। अब कोर्ट ने मंडे के लिए केस लगाया है ये इसके फर्दर ऑर्डर्स के लिए। अब कोर्ट को ने जो मंडे को केस लगाया वो सिर्फ ऑर्डर्स के लिए लगाया है। मंडे को ये क्लियर होगा कि कोर्ट इसको आगे कंटिन्यू करेगा नहीं, स्टे होगा कि नहीं होगा, या गवर्नमेंट ने जो कहा है कि इसको हम एक वीक के लिए कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर कोर्ट अपना जो डिसीजन है वो मंडे के लिए सुरक्षित रखा हुआ है। मंडे को आप इसका क्या। हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। आमिर खान केंद्र सरकार के इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नहीं रहेंगे, पर्यटन मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि आमिर खान से सरकार का सीधे कोई सहमति नहीं थी। मंत्रालय इन 2016 माय नेम इज गौरप्रीति एंड हियर वी गो। साहिल चुबाका मेड श्योर दैट ही वॉच द फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑफ स्टार वॉर्स एंड वॉज रेडी विद दो स्पॉइलर अलर्ट। सो रोहित